अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच आज हमें ये मौका देने के लिए कि हमने आके यहाँ पे एक MOU साइन किया, जिसमें मैं इसमें ना आपकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आए थे। तो डॉक्टर सलीम अल हबीब और डॉक्टर इरम आफाक साहिबा का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और बड़ी ज़बरदस्त काविश है पाकिस्तान के लिए, और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। अब इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आज हमने एक MOU साइन किया है। अब जो MOU हमने साइन किया है, इसमें अब हम कोलेबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, इनेबलमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कि पैफला जो है पाकिस्तान फिलासफर एसोसिएशन, आपके जो ग्रेजुएट्स हैं उनको किस तरह इनेबल करें कि वो ग्रेजुएशन के बाद अपनी ज़िंदगी में काम कारोबार एंटरप्रेन्योर बन सकें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को किस तरह स्केल अप कर सकें। लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हज़ारों लाखों करोड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको ट्रेनिंग्स दे रही हैं, बट ट्रेनिंग के बाद वाली लाइफ कैसे गुजारनी है ये पाकिस्तान में कोई नहीं सिखा रहा। तो वो पैफला ने उसका बेड़ा उठाया, आज 2 साल हो गए हम इस वक्त पाकिस्तान की वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एसोसिएशन इन पाकिस्तान। तो बहुत सारा नंबर हमारे पास यंगस्टर्स का है। इस वक्त पाकिस्तान की जो 64% पॉपुलेशन है वो यूथ है बिलो 35, तो उनकी हैंड होल्डिंग कैसे करनी है, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो उनको समझना और फिर उनको सिखाना, स्टूडेंट्स के लिए यही पैगाम है। जैसे मैंने अभी कहा कि अपने आप पे यकीन करें, स्टूडेंट्स जो है ना आजकल जितने भी यंग आवाम है, यंग पॉपुलेशन जो हमारे हैं स्टूडेंट्स जो हैं, वो जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं ना तो बहुत शाये रहते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। hello@pafla.org.pk ईमेल है, उस पर आप हमारे मेंबर बने, अपनी आवाज़ उठाएं, हमारे पास आएँ और कभी गिव अप ना करें, नेवर गिव अप, आवाज़ उठाएं, डिसिप्लिन कर लाएँ अपनी लाइफ में।